हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज का मेकअप ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक पर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि वेडिंग जब आने वाली हैं सो उसी के लिए मैं मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट करने वाली हूँ आज। और आज हिमायरा भी मेरे साथ में है। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। जो कि आज ये मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में, आज इसने पहली बार पूरा मेरा सेटअप देखा है। इसको देखते में पता चल गया था कि यही मेरा मेकअप ट्यूटोरियल का रूम है। तो आके बोल रही है, मैं क्या बोल रही है बेटा, हो गया? एक बता दो, चलो प्रोडक्ट बता दो ऐसे करके। ये क्या है, क्या ये किम है? कहाँ लगाते हैं इसको? सब इसको पता है, सब मेरे मेकअप देख देख के सीख गई है ये पूरे मेरे मेकअप। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है बता दो? हाँ, ये क्या बता दो, ये कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ लगाते हैं ये? रोची के नहीं, मेरे कहाँ लगाओगे, चलो बताओ। ये तो बातें कर रही है वहाँ पे, मेरे मेरे कर दो मेकअप, मेकअप कर। अच्छा, प्रोडक्ट लेके मेकअप होता है। अब हो गया, ले लिया। को पता है ये ब्लशर है, और मैंने इसके नाक पे लगा दिया। हो गया अब? अच्छा, आई शेडो पैलेट, ठीक है। अब लो आईज मेकअप कर दो। नहीं, इससे नहीं, आईज मेकअप का ये वाला ब्रश है। आईज पे बेटा, आईज पे। आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल बनाती हूँ। बच्चे भी मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पूरा देखते हैं और सीखते हैं। अरे ये बाकी है ना यार, ये वाला बाकी है। कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश कैसे लगता है, आप सीख ही रहे होंगे साथ साथ में। बोलो ही मेरा, सीख जाओ ही, बोलो सीखो, ठीक है? तो ये क्या है, ब्रश। और ये क्या है, ब्लश। ब्लश का ब्रश और कॉन्टर का ब्रश, ये हम ऐसे 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 मेकअप करते हैं। आपके भी कर दो, कुछ 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 कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मस्तियाँ हो गई है। अब हिमायरा मेरे पास यहीं पर खड़ी रहेगी, मेकअप देखेगी, और अब स्टार्ट होता है मेकअप हमारा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। मेकअप में मैं सबसे पहले हमेशा की तरह प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा शुगर के प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और मेरी स्किन को बहुत अच्छे सूट होते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का द मोस्ट एलिजिबल स्मूथनिंग प्राइमर, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छा एक बेस क्रिएट करता है हमारे फेस पर। तो सबसे पहले थोड़ा हम ले लेंगे। आप जैसे कि पास में देख रहे हो, मेरी कॉपी बैठी हुई है। हाँ, ये भी यूज़ करेंगे, रख दो यहाँ पर बेटा। प्राइमर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो गया है और एक अच्छी मस्त स्मूथ लेयर क्रिएट हो गई है। प्राइमर बहुत जने स्किप कर, हाँ दूसरा, हाँ प्राइमर बहुत जने स्किप कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पोर्स को अच्छे से ये फिल कर देता है, पर साथ ही साथ अच्छी स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, जिससे हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होता है। क्योंकि कितनी बार यूँ होता है ना, बहुत जने बोलते हैं फाउंडेशन ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत से जने मैंने देखा है कि प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं। प्राइमर यूज़ करना मस्ट है, कीजिए प्राइमर यूज़, उसी से हमारा मेकअप अच्छा लगने वाला है। जैसे कि प्राइमर के लिए मैंने बताया कि क्यों यूज़ करना चाहिए, अगर आपको प्रॉपर एक एक वीडियो देख, एक एक प्रोडक्ट के लिए डिटेल में वीडियो देखनी है, तो वो भी मैं बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी अभी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कुछ दिनों के बाद प्रॉपरली वो वीडियो बनाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक प्रोडक्ट हमको क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ ब्लेंडर अभी लूँगी, रुक जाओ। हाँ, अब इसको ब्लेंड करूँगी, ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी मैं, कर दो। हो गया। फ
फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन नहीं, मैं यहाँ पर क्रायलॉन की करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और ये करेक्टर पैलेट है सुप्रा, जो कि बहुत ही अच्छी है। और करेक्टर पैलेट से ही मैं अपन खुद का पूरा फेस मेकअप कर सकते हैं, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अंदर जो मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन है वो मैं ले लूँगी। पूरे फेस को मैंने इवन कर दिया है, और ये पूरा मैंने फाउंडेशन की तरह मेरे फेस पर अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये, अंडर आई और मेरे फेस के जो लाइटनिंग एरिया है वहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। कंसीलर अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आरसी ओगा लूज़ पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है, वो हमारे मेकअप को एकदम सेट करके रखता है। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पूरे फेस पर मस्त लूज़ पाउडर लगा दिया है, ताकि इससे जो मेरा मेकअप है वो अच्छे से सेट रहे, लॉन्ग स्टे करे। अब आ जाती है मेरी आईब्रोज़ की बारी। मैं कर रही हूँ मेरे आईब्रोज को डिफाइन। आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर का आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको अच्छे से कॉम कर दूंगी, क्योंकि इस डिफाइनर के साथ ही स्पूली दे रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। अब आ जाती है मेरे आई मेकअप की बारी। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एनेस्थीजिया की पैलेट, बहुत ही अच्छी पैलेट है, और मैं आज ग्रीन कलर की साड़ी वेयर कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी के अंदर सारे अच्छे अच्छे कलर्स हैं। मैं इसमें ये ब्राउन शेड है उसको एज ए ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। मेरे नहीं करना है, आपके करो। ब्राउन से शेड को मैंने एज ए ट्रांजिशन शेड यूज़ कर लिया है, और आउटर कॉर्नर पे मुझको ग्रीन कलर यूज़ करना है, तो इसके अंदर ग्रीन कलर भी दे रखा है, तो ये ग्रीन कलर मैं यूज़ करूँगी। इसके कहने का मतलब है मेरे को मत रोको, मैं मेकअप कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर में मैं सिर्फ ग्रीन कलर को प्लेस कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। और अब इनर कॉर्नर में मैं गोल्डन कलर अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है उसके अंदर गोल्डन कलर का वर्क है इसलिए। और इनर कॉर्नर में थोड़ा येलो शिमर टाइप का कलर लूँगी। अब इन तीनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से। एक आई का आई मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ आईलाइनर और मस्करा बाकी, इतने में दूसरे आई का आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप दोनों आईज का हो चुका है, अब जो एक्स्ट्रा शेडो गिरी है उसको मैं अच्छे से डस्ट आउट कर देती हूँ। अब मैं एक बार मेरे फेस की कटिंग कर देती हूँ। फेस की कटिंग यानी कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की फेस पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छी पैलेट है। इसके अंदर हाइलाइटर, कॉन्टोर और ब्लश अवेलेबल है, हाइलाइटर और कॉन्टोर और कॉम्पैक्ट तीनों ही अवेलेबल है, और बहुत अच्छी एक पैलेट है। तो मैं अभी मेरे फेस को कॉन्टोर कर देती हूँ। उतरना है, वापस बैठना है, नहीं बैठना है, जाओ रोजी के पास चले जाओ। फेस की कॉन्टोरिंग अच्छी हो गई है, अब आ जाती है फेस पर ब्लश लगाने की बारी। ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, और इसके अंदर एकदम लाइट जो ब्लश है वो यूज़ कर रही हूँ। लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज कर देती हूँ, जब तक लिपस्टिक लगानी होगी तब तक मस्त नरिश्ड हो जाएंगे मेरे लिप्स। और अब आ जाती है आईज की फिर से बारी। अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शुगर की। आईलाइनर लग चुकी है, अब आ जाती है मस्करा की बारी। मस्करा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का, डबल डेट मस्करा है।
काजल मैंने लगा ली है। अब थोड़ा सा आईज के नीचे स्मोक ड्रो करने के लिए एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश ले लेती हूँ और जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की थी उस पैलेट से ब्राउन कलर पिक करके थोड़ा सा स्मज कर देती हूँ। आई मेकअप कंप्लीट डन हो गया है। अब लगा देती हूँ मैं लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की और इसका शेड है 12। लिपस्टिक का नाम है नथिंग एल्स मैटर। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, एकदम न्यूड शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है लुक के साथ। पूरा मेकअप हो चुका है। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैट, जो ये बहुत ही अच्छा एक सेटिंग स्प्रे है और हमारे पूरे मेकअप को अच्छे सेट रखता है। ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हो मैंने पूरी ग्रीन साड़ी के साथ थोड़ा सा राजपूती टच देने के लिए राजपूती ज्वेलरी साथ में वेयर की है। ग्रीन आर्ट वेयर की है, रखड़ी, माथा पट्टी, ईयर रिंग्स एंड चूड़ा भी मैंने राजपूती पैटर्न का ही वेयर किया है और साथ ही साथ मैंने इसको पहना भी राजपूती पैटर्न में ही है ताकि जो लुक है वो और रॉयल आए, क्योंकि साड़ी हेवी है सो सीधे पल्ले में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पूरा रजवाड़ी लुक दे दिया है। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है मेरा लुक। पूरा लुक अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लो, रोहन निपेश, वहाँ जाके आप मेरे पूरे फोटो देख सकते हो और एक एक चीज़ प्रॉपरली देख सकते हो क्या क्या वेयर की है। आप भी सेम ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लग ही रही है तो आप भी करोगे तो अच्छी लगेगी। अगर आज की वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर नए हो तो। और इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने मिलेंगे। तो अभी आपसे यहीं पर मैं अलविदा ले लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। बाय।